कोलकाता के आर्चिकल हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस जघन्य अपराध का मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस मामले में अभी भी कई सवाल अनसुलझे हैं। इन सवालों के जवाब खोजने के लिए सीबीआई आर्चिकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल और पीड़ित महिला डॉक्टर के सहकर्मियों से पूछताछ कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया गया है कि महिला डॉक्टर की हत्या का आरोप गलत इंसान पर लगाया गया है। पोस्ट के अनुसार हत्या आर्चिकल हॉस्पिटल के 7 ट्रेनी डॉक्टरों ने की थी। इन डॉक्टरों ने पीड़िता के साथ बलात्कार भी किया और उसके साथ क्रूरता की, लेकिन न्यूज स्टेट इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आर्चिकल मेडिकल कॉलेज इन हॉस्पिटल में ही बतौर डॉक्टर काम करने वाली एक महिला और उसकी दोस्त के बीच बातचीत में ये दावा किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया है, जो बंगाली में है, और किश्वर ने अपनी पोस्ट में उसका अनुवाद डाला है। आइए आपको बताते हैं पोस्ट में क्या लिखा था। मधु किश्वर ने बातचीत का पूरा ब्यौरा देते हुए लिखा, वो लड़की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। उसे धमकी दी जा रही थी कि फैकल्टी उसे अपनी थीसिस पूरा नहीं करने देंगे। उसने विरोध किया और उन्हें आर्चिकल मेडिकल कॉलेज की काली करतूतों को उजागर करने की चेतावनी दी थी। उसने इसका विरोध किया और उन्हें आर्चिकल मेडिकल कॉलेज की काली करतूतों को उजागर करने की चेतावनी दी थी। पिछले 6 महीनों से उसे परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 36 घंटे के लिए नाइट शिफ्ट पर लगाया जाता था और बहुत ज्यादा प्रेशर वाला काम दिया जाता था। चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड, सीनियर पीजीटी और सभी को पता था कि प्रिंसिपल और उनका नेक्सस उस पर कितना दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर बताती हैं कि पीड़िता इस दबाव के बावजूद बिल्कुल अटक रही। उस रात 9 अगस्त 2024 को पूरे ग्रुप ने उसके खिलाफ ये साजिश रची। रेप और मर्डर पहले से प्लान किया गया और बनाया गया खेल था। उन्होंने बताया, पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर्स सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात उसे उस सेमिनार हॉल में अकेले सोने के लिए भेजा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने ये अफवाह फैला दी कि कमरा अंडर कंस्ट्रक्शन है और वहाँ किसी को भी नहीं जाना चाहिए। उस डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने उसके साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था। 4 में से एक लड़की थी। मुझे समझ नहीं आता वो किस तरह की औरत है, एक डॉक्टर इतना भयानक काम कैसे कर सकता है। वो कहती है, मैं ये नहीं कह सकती कि पीड़िता के साथ डिनर करने वाली लड़की डॉक्टर थी या इंटर्न, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो इंटर्न है। उस रात उसका पीड़िता से बहुत झगड़ा हुआ था और उसने उसे फिर धमकी दी थी। उसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए भेजा गया। वो बताती है, फिर करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी। फिर उन्होंने पहले उसके हाथ कसकर पकड़े और फिर उसे मारा पीटा और उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना में उस महिला इंटर्न ने भी साथ दिया और मदद की। आर्चिकल हॉस्पिटल की वो डॉक्टर इसके साथ ही दावा करती है, उसमें से 2 ने उसके पैर पकड़े और अलग कर दिए, जिससे उसके पेल्विक की हड्डियां टूट गई। यहां तक कि उन्होंने उसके कॉलर बोन को भी तोड़ दिया। इसके बाद उसे उल्टा लटका दिया और साथ ही इंटर्न जूते पहनकर उसके ऊपर चलते रहे। उसके सिर को इस कदर कुचल दिया गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। ऐसे में सवाल उठता है कि इस पूरे केस में संजय रॉय का नाम सामने कैसे आता है। तो डॉक्टर ने कहा, उसकी हत्या करने के बाद जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि संजय वहां बैठा है और ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारी के साथ शराब पी रहा है। वे उसे तरकटा, संजय और फल गई कहते थे, क्योंकि वो विमेनाइजर था और महिलाओं के प्रति उसका जुनून था। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया, उन डॉक्टरों ने संजय से कहा, सेमिनार रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक लड़की है। उसने शव के साथ बलात्कार किया ताकि उसके विरह के निशान उसकी योनि में ही मिल सके। हालांकि न्यूज स्टेट इस पोस्ट में किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता है। बहरहाल जिस तरह से इस पोस्ट में हर चीज लिखी गई है, अगर वो सच है तो आज दुनिया में इंसानियत से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।